हेलो बच्चों, तो आज अपन बात करने वाले हैं रीप राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आप सभी को पता होगा, रीप के अंदर आपको अप्लाई करना है तो सिर्फ जेई के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने जेई नहीं दिया है या जेई के अंदर आपकी लो रैंक है तो आप एलिजिबल नहीं हैं अच्छे कॉलेजेस के लिए। अगर अपन बात करें रीप की, तो रीप के अंदर कुछ ही कॉलेजेज हैं जिनको अंदर आप अगर एडमिशन ले रहे हो तो आपके लिए सूटेबल हैं, जिसमें से है MBM जोधपुर, RTU कोटा, बीकानेर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बीकानेर, एंड अजमेर के अंदर गर्ल्स कॉलेज है एक, उदयपुर के अंदर एक कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो JERC जयपुर एंड पूर्णिमा कॉलेज जयपुर एंड SKIT स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेजेज हैं राजस्थान के अंदर जिनके अंदर कुछ महाराजा महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी भी है जिसका एक उदयपुर साइड के अंदर। ठीक है, एंड अगर आप मारवाड़ साइड के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं छोटे छोटे जिनके अंदर ऑल सीटें सारी खाली पड़ी रहती हैं, अगर आप उसके अंदर रीप के अंदर सेलेक्ट कर देते हैं कंप्यूटर साइंस और आपको अगर मिल जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही बुरी बात है। ठीक है, क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन होता ही नहीं है। ठीक है, उनके अंदर सीटें ऐसे खाली पड़ी रहती है, 4 साल तक उन्हें कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, 4 साल बाद आपको वो डिग्री दे देंगे और घर पे भेज देंगे। ठीक है, प्लेसमेंट प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, आपको वो ऐसा जरूर बोलेंगे कि रीप RTU कोटा से एफिलेटेड है, जितने भी RTU कोटा में आते हैं प्लेसमेंट वो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप जिसके जो लोकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर एडमिशन बिल्कुल भी ना लें। अगर आपने अगर जेई नहीं दिया है तो ये भी पॉसिबल है कि आपका फॉर्म भी ना फिल हो रीप का, तो आप जस्ट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं पंजाब दिल्ली के। ठीक है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें गवर्नमेंट टॉप कॉलेजेस में आपका एडमिशन डायरेक्टली इजीली हो सकता है। ओके, डोनेशन बेस पे भी एडमिशन पॉसिबल है क्योंकि राजस्थान के अंदर 12th बेस पे जो 12th के अंदर मार्क्स बहुत ही अच्छे आए हैं इस बार बच्चों के, लेकिन जो पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, इधर जो है मार्क्स 12th के अंदर नॉर्मल नहीं है बच्चों के, तो राजस्थान वालों को उन स्टेट्स के अंदर एडमिशन लेना इजीली थोड़ा पॉसिबल है, तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो रीप की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी 6 सितंबर से, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जस्ट लाइक अपन जो है स्पोर्ट एडमिशन होगा जो लास्ट के अंदर कुछ सीटें बचेगी बस वहाँ पे करवा लेंगे ऐसे करवा लें, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कुछ लिमिटेड चीज बचती है लाइक 5 से 60 सीटें, तो जिनके जेई के अंदर कम रैंक है या फिर 12th JEE दिया नहीं है तो उनका वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, जिनकी वो वहाँ पे भी कट ऑफ के हिसाब से होता है, जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं उनको ही मिलता है एडमिशन। ठीक है, और कुछ बच्चों को ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि हम पैसे दे के ले लें एडमिशन, MBM के अंदर एडमिशन ले लें, हम 1 लाख दे दें, 2 लाख दे दें ऐसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, जस्ट लाइक ये प्रॉपर मेरिट के हिसाब से ही होगा एडमिशन जो होगा आपको, अगर लेना है MBM RTU जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर, तो सिर्फ मेरिट के बेस पे ही होता है एडमिशन। ठीक है, पैसे दे कर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, जस्ट लाइक डोनेशन बेस पे जरूर हो सकता है कुछ, लेकिन पैसे देके एडमिशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और एजुकेशन सेक्टर के अंदर पैसों को लाना भी गलत है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। जस्ट आपके अगर मार्क्स है अच्छे जेई के अंदर तो आप अच्छे कॉलेज ले सकते हैं, अगर आपके पास पैसा बहुत सारा है तो अपने पास रखिए, वो किसी काम का नहीं है एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, और अगर आपको SKIT JERC पूर्णिमा वगैरह कॉलेजों में भी एडमिशन लेना है तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, उनके ऑलमोस्ट ऑल सारी सीटें फिल हो चुकी हैं। ठीक है, और जो JEE के बेसिस पे होगा जिनकी अच्छी रैंक होगी उन्हीं को ही मिलेगा रीप के थ्रू वो प्राइवेट कॉलेज भी, जिनको ऐसा लगता है कि 12th के मार्क्स है प्राइवेट कॉलेज में ले लेंगे तो भी उनका वो भी नहीं हो सकता सपना पूरा। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत ही कम कॉलेजेज हैं और रीप के अंदर ओनली फॉर 8,000 सीट है, 8,000 सीट्स। ठीक है, तो उसके अंदर से सिर्फ 1,500 से 2,000 सीटें काम की है इंजीनियरिंग की, और तो बिल्कुल सारी बेकार ही हैं और उनका कोई मतलब नहीं है, और अप्लाई करने वाले तकरीबन 20,000 से 30,000 बच्चे होते हैं, इसके अंदर आउटसाइड स्टेट भी होते हैं, तो जस्ट लाइक आप आउटसाइड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं जिनका आपका डोनेशन बेस पे डायरेक्टली एडमिशन हो सकता है, नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, IK गुजरल, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, MRS, PTU एंड बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं
अगर आप जयपुर से हैं और एमबीए में करने जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई फायदा नहीं है सिविल इंजीनियरिंग का। इससे अच्छा है कि आप कंप्यूटर साइंस पंजाब के अंदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज में ले लें, कुछ पोजिशन देखें, आपका इजीली हो सकता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। अगर आपकी जेई की एग्जाम है तो उसको खूब अच्छे से दीजिएगा।